फतेहगंज पूर्व में बरेली बिजली का तार टूटकर गिरने से गौवंश की मौत। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बीबी 9 न्यूज और इस वक्त की खबर आ रही है। फतेहगंज पूर्व से शनिवार को एक आवारा पशु की मृत्यु बिजली का तार टूटकर गिरने से उसके चिपकने से हो गई। सूचना पर पहुंचे गौरक्षक संघ के मंडल संचालक बरेली जितेंद्र यादव सहित कई कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग की लापरवाही बताते हुए फतेहगंज पूर्वी जेई के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। गौरक्षक संघ के कार्यकर्ताओं द्वारा दी गई तहरीर के अनुसार नगर के कार्यकर्ताओं ने 11 बजे के करीब सूचना दी कि एक गाय बिलपुर क्रॉसिंग के समीप कब्रिस्तान में बिजली के तार टूटे पड़े, तार की चपेट में आ गई है जो कि तड़प रही है। जब तक मौके पर कार्यकर्ता पहुंचे तब तक गाय ने अपना दम तोड़ दिया, जिसके बाद गौरक्षक संघ के कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग की लापरवाही पर आरोप लगाते हुए फतेहगंज पूर्वी के अपर अभियंता के खिलाफ थाने में तहरीर दी। सूचना पर पशु चिकित्सालय की डॉक्टर खुशबू सिंह भी पहुंची, जिन्होंने गाय का पोस्टमार्टम कराया, जिसके बाद गाय को जीसीबी द्वारा दफन करवाया गया। उधर गाय के बच्चे को डूबने से बचा लिया गया है। आपको बता दें कि शाम 6 बजे करीब बिलपुर रोड पर रेलवे लाइन के पास लेखपाल कॉलोनी का पानी भरा रहता है, उसमें एक गाय का बच्चा डूबने लगा, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से गौरक्षक संघ के कार्यकर्ताओं ने बचाया। गड्ढों में काफी गहराई तक पानी भरा हुआ है और उसके ऊपर बड़ी बड़ी घास जमी खड़ी है। जब शाम के समय गाय का बच्चा उधर गया और उन्हीं गड्ढों में झाड़ियों में फंस गया था, तभी पास के दुकानदार ने गौरक्षक संघ के कार्यकर्ताओं को सूचना देकर स्थानीय लोगों की मदद से बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। संवाददाता अवधेश कुमार की खास रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल एबीपी 9 न्यूज, हर खबर आप तक।